वेलकम टू माय चैनल स्कैर्सिटी वर्ल्ड। माय नेम इज धर्मेंद्र सिद्धानी और इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उत्पादक संतुलन या फर्म का संतुलन क्या होता है। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फर्म का संतुलन या उत्पादक का संतुलन किसे कहते हैं और विभिन्न प्रकार के बाजार, जो अलग अलग प्रकार के बाजार होते हैं जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार और एकाधिकारात्मक, इन बाजारों में फर्म का संतुलन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्म का संतुलन या उत्पादक का संतुलन, दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है, अपने इक्विलिब्रियम के लिए काम करता है ना। जैसे अगर हम पूरे अर्थ में रहने वाले लोगों को अगर दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, जस्ट एज्यूम एक तरफ है उत्पादक, एक तरफ है उपभोक्ता। उत्पादक वे लोग होते हैं जो किसी न किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं, और उपभोक्ता वो लोग होते हैं या वे व्यक्ति होते हैं जो उन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। मतलब उत्पादक ने क्या किया, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया, और उपभोक्ता ने क्या किया, वस्तुओं सेवाओं का उपभोग किया। अब ये दोनों ही व्यक्ति अपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब अपने अपने इक्विलिब्रियम के लिए काम करते हैं, है ना। अब एक उपभोक्ता को कहां संतुष्टि मिलेगी, एक उपभोक्ता को संतुष्टि वहां मिलेगी जब वो वस्तुओं और सेवाओं का क्या करेगा, उपभोग करेगा, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। तो जहां उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी वो उसके लिए एक संतुलन वाला बिंदु होगा, यानी इसको हम बोलेंगे उपभोक्ता का संतुलन। जहां एक उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि मिलेगी वो पॉइंट उसके लिए होता है उपभोक्ता संतुलन, यानी कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। लेकिन एक उत्पादक क्या चाहता है, एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है, एक फर्म क्या चाहती है, एक फर्म चाहती है, एक उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर चाहता है कि उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, यानी उसको अधिक से अधिक लाभ मिले। तो जिस बिंदु पर या जिस अवस्था में फर्म को या उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है उसे ही क्या कहते हैं, फर्म का संतुलन या उत्पादक का संतुलन। तो जैसे कि यहां पर डेफिनेशन है, उत्पादक का संतुलन, उत्पादक संतुलन से अभिप्राय उस अवस्था से होता है जिसमें उत्पादक को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, या फर्म के संतुलन से अभिप्राय उस अवस्था से होता है जहां फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। यानी कि कुल मिलाकर कोई भी बिजनेस अगर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वही टाइम पीरियड उसका क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम या फर्म्स इक्विलिब्रियम, इसी को कहते हैं उत्पादक का संतुलन। ठीक है, अब हमें यह पता चल गया कि जहां फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी वही होता है उत्पादक का संतुलन। ठीक है, और लाभ हम कैसे निकालेंगे, आगम माइनस लागत। लाभ का एक फॉर्मूला होता है आगम माइनस लागत। अब कई बच्चों को तो पता होगा कि आगम और लागत का मतलब क्या होता है, कई अभी भी कंफ्यूज होंगे तो मैं क्लियर कर देता हूं। आगम का मतलब होता है रेवेन्यू, यानी कि जब भी एक उत्पादक किसी वस्तु को बेचता है ना। जैसे मान लो कि मेरी कंपनी है जो ये मार्कर बनाती है, अब जैसे ही मैं इस मार्कर को बेचूंगा तो बेचने से जो मुझे धनराशि मिलेगी, मान लो मैंने इस मार्कर को बेचा 30 रुपए में, ठीक है, तो जो मुझे 30 रुपए मिले इस मार्कर को बेचने के ऊपर, वही मेरी क्या कहलाएगी, आगम या आय या संप्राप्ति। इसको आगम भी बोलते हैं, आय भी बोलते हैं या संप्राप्ति भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगम का मतलब ये होता है किसी वस्तु या सेवा को बेचने पर जो धनराशि प्राप्त होती है उसी को कहते हैं आगम। ठीक है, अब हम बात करते हैं लागत की। देखो, हमने प्रोडक्ट को बेच तो दिया लेकिन बेचने से पहले हमें इस प्रोडक्ट को बनाना भी पड़ेगा, तो इस वस्तु को बनाने पर जितना खर्च आया, जितना व्यय आया, जितना खर्चा आया, उसी को बोलते हैं लागत। लागत को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, तो मान लो इस मार्कर को बनाने की कॉस्ट मुझे पड़ी 20 रुपए, एक एग्जांपल लेते हैं कि 20 रुपए में मैंने इस मार्कर को बनाया, तो मेरी इस मार्कर को बनाने की लागत कितनी आई, वो आई मेरी 20 रुपए, और इस मार्कर को मैंने कितने में बेचा, ऑब्वियसली मैं ज्यादा भी नहीं बेचूंगा, है ना, तो आगम मेरी आई 30 रुपए। तो 30 माइनस 20, यानी हमारा इस एक मार्कर में हमें कितने का लाभ हुआ, 10 रुपए का लाभ हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लाभ का मतलब क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं लाभ के प्रकार। बेसिकली लाभ को, यानी कि प्रॉफिट को, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक होता है असामान्य लाभ, एक होता है सामान्य लाभ, और एक होता है उपसामान्य लाभ, जिसको हम हानि भी बोलते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असामान्य लाभ की, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब असामान्य लाभ क्या होता है कि जब फर्म की कुल आगम, जब फर्म की कुल आगम टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल उसको कितना पैसा मिल रहा है, अगर फर्म की कुल आगम
कुल लागत से अधिक हो, यानी फर्म को पैसा तो मिल रहा है ज्यादा और खर्चा आ रहा है कम, है ना। यानी फर्म को अपना प्रोडक्ट बेचने पर ज्यादा पैसा मिल रहा है और उन प्रोडक्ट्स को बनाने पर कम लागत आ रही है, तो इस अवस्था को बोलते हैं असामान्य लाभ, एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो जब फर्म की कुल लागत से अधिक होती है तो उसे असामान्य लाभ की स्थिति कहते हैं, जिसमें आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो TR इज ग्रेटर देन TC, यानी टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल लागत ग्रेटर है नहीं ज्यादा है टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत से, या इसको आप AR ग्रेटर देन AC भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी औसत आगम औसत लागत से अधिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामान्य लाभ की, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अगर फर्म की कुल आगम कुल लागत के समान है, अगर फर्म की कुल आगम कुल लागत के समान है, यानी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ पर तो कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल है तो लाभ कहाँ हुआ, है ना। मान लो 20 रुपए का मार्कर बनाया और 20 रुपए में ही उसको बेच दिया तो लाभ कहाँ हुआ, इसमें भी लाभ छुपा हुआ होता है। सामान्य लाभ एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें उत्पादक मिनिमम प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन लेकर चलता है, बहुत ही मिनिमम। देखो आप जब भी अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करोगे ना, तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते टाइम एक माइंड में एक थॉट लोगे कि यार कम से कम मुझे इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए इससे, तो वो जो मिनिमम प्रॉफिट वाला जो स्टेज होता है ना, वही होता है सामान्य लाभ का। तो इसमें सामान्य लाभ की अवस्था में वो न्यूनतम प्रतिफल छुपा हुआ होता है, लागत के अंदर छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं सामान्य लाभ, इतना तो मिलना ही चाहिए, या तो इससे ज्यादा मिलना चाहिए असामान्य लाभ, या इतना तो मिलना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं मिल रहा तो व्यापारी अपना पूंजी जो होता है वहां से निकाल देता है, उस बिजनेस से या उस पर्टिकुलर एरिया से जहां से भी वो पैसा कमा रहा है। ठीक है, और लास्ट तीसरी अवस्था होती है उपसामान्य लाभ, या जिसको हम हानि भी बोलते हैं लॉस भी बोलते हैं। सीधी सी बात है, जब फर्म की कुल आगम हो गई कम और कुल लागत हो गई ज्यादा, मतलब पैसा कम आ रहा है और आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, तो सीधी सी बात है तब हमें क्या हो जाएगी, हानि, जिसको हम उपसामान्य लाभ भी कहते हैं। ठीक है, सो व्हेन TR इज लेस देन TC, लेसर देन TC, सो दैट वी नोन एज द सब नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि जब हमारा TR जो होगा वो TC से कम होगा तो उसे हम कहेंगे उपसामान्य लाभ या हानि। आई होप आपको प्रॉफिट के तीनों पार्ट समझ में आए होंगे, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि, यानी एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। अब हम बात करेंगे कि फर्म का संतुलन निकालने के कितने दृष्टिकोण है। फर्म का संतुलन बेसिकली दो मेथड से निकाला जाता है, एक होता है TR&TC अप्रोच, यानी कुल आगम और कुल लागत दृष्टिकोण, और दूसरा होता है MR&MC अप्रोच, यानी सीमांत आगम और सीमांत लागत दृष्टिकोण। सो वन बाय वन हम इसके डिस्कशन करते हैं। अब हम बात करते हैं फर्म के संतुलन को ज्ञात करने का जो पहला दृष्टिकोण है, कुल आगम व कुल लागत दृष्टिकोण की, जिसको हम TR&TC अप्रोच भी बोलते हैं। तो इस अप्रोच के थ्रू अगर आपको फर्म का संतुलन ज्ञात करना है, तो इस दृष्टिकोण के अनुसार एक उत्पादक अपना संतुलन तब प्राप्त करता है जब कुल आगम और कुल लागत का अंतर अधिकतम हो, यानी कि जब फर्म की कुल आगम यानी टोटल इनकम टोटल रेवेन्यू ज्यादा है और टोटल कॉस्ट यानी कि उसका कुल खर्चा कम है। तो सीधी सी बात है, अगर आय ज्यादा है और लागत कम है तो हमें अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी, और जहां हमारे को अधिकतम लाभ मिलेगा वही हमारे लिए क्या होगा, फर्म का संतुलन। ठीक है, तो उसको हम एक टेबल और डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने एक हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक तालिका बना दी है, जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ TR का डेटा लिखा है यानी कुल आगम का, और यहाँ पर हमने कुल लागत का एक डेटा लिखा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था आगम माइनस लागत, यानी कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट घटा दो तो हमारे पास आ जाएगा लाभ यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, तो 0 में से 3 गया। अब देखो यहां पर एक सोचने वाली बात है कि अगर आपने 0 यूनिट्स यानी कि कुछ भी नहीं बेचा तो आपका रेवेन्यू यानी आगम तो कुछ भी नहीं हो, 0 हुआ, लेकिन ये 3 रुपए का खर्चा कहां से आ गया। तो आप लोग रिमाइंड करो वो लागत वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि फर्म की दो तरह की लागतें होती है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। तो स्थिर लागतें वे लागतें होती है जिनका उत्पादन के साथ या प्रोडक्शन के साथ कोई संबंध नहीं होता। आप प्रोडक्शन करो या मत करो खर्चा आएगा ही आएगा, जैसे कि किसी फैक्ट्री का रेंट हो गया, लाइसेंस फीस के खर्चे हो गए, जो परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी होगी। तो आप भले प्रोडक्शन नहीं भी करो या मत बेचो अपना सामान, तब भी वो खर्चा तो आएगा ही आएगा। तो ये जो 3 रुपए यहाँ पर कॉस्ट बता रहा है, ये कुल स्थिर लागत को शो कर रहा है। हालांकि इसका इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, बट एक नॉलेजेबल चीज थी जो मैंने आपको बता दी। तो यहां पर हमने 0 इकाइयों का विक्रय किया, तो आगम तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन हमारा खर्चा आया 3 रुपए, तो यहां पर हमारा प्रॉफिट हो गया -3। अब हमने 1 इकाई को बेचा, तो उस 1 इकाई को बेचने पर हमें कितने रुपए मिल रहा है, 4 रुपए मिल रहा है।
तो 4 रुपए मिलने और हमारा खर्चा आ रहा है 5 रुपए का, तो हमारी प्रॉफिट क्या हो गया, माइनस वन, इन्हीं में लॉस हुआ। ठीक है, फिर हमें 7 रुपए हमें मिले और हमने 6 रुपए इसको बनाने पर लागत व्यय करी, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 1, 9 में से 7 गया आया 2, 10 में से 9 में 1, 10 में से 12 गए तो आया -2 और 9 में से 18 गए तो आया -9। ये हमने काल्पनिक टेबल को यानी तालिका को बनाया। अब इसी टेबल को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टीआर का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो, 0 इकाई पर आपका कुल आगम आ रही है 0, 0 पर आई है 0, पहली इकाई पर आ रही है 4, तो पहली इकाई और यहां पर हमने 4 के सामने ये लिख दिया 4। फिर 2 पर आ रही है 7, यहां पर 8 के थोड़ा सा नीचे। 3 पर आ रही है 9, 4 पर ये आ रहा है 10, थोड़ा सा ऊपर। 5 पर फिर से 10 है, ठीक है, और 6 पर ये आ गई है 9। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसको मिला लेंगे, आप लोग स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे। इसको हमने नाम दे दिया टी आर, ये टोटल रेवेन्यू। अब हम टोटल कॉस्ट की तालिका बनाएंगे। टीसी पहले 0 इकाई पर, देखो 0 पर आ रही है ये 3, तो 0 पर 3 यानी ये यहां से स्टार्ट होगी, यहां से। फिर पहली इकाई पर 5, तो पहली इकाई पर ये आ गई 5, यहां पर 4 से थोड़ा ऊपर। दूसरी इकाई पर आ गई ये 6, तो ये 6। तीसरी इकाई पर आ गई ये 7, तो तीसरी इकाई पर आ गई 7। चौथी इकाई पर ये आ गई 9, तो ये चौथी इकाई पर आ गई यहां पर 9। और पांचवी इकाई पर आ गई ये 12 यहां पर, और छठी इकाई पर आ गई ये 18। इसको जब आप बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से, ये टीसी। ठीक है, तो हमने टीआर और टीसी का डायग्राम तो ड्रॉ कर दिया। अब हमें बनाना है प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट के लिए मैंने यहां पर एक अलग से डायग्राम बताया है, जो इसी के जस्ट नीचे आएगा, समानांतर चलेगी ये पूरे डायग्राम। तो पहला 0 इकाई पर प्रॉफिट तो हुआ नहीं, उल्टा लॉस हो गया -3 का, तो यहाँ माइनस पे शो करेंगे। पहली इकाई पर हमें -1 का लॉस हो रहा है, तो हम यहां शो कर देंगे। दूसरी इकाई पर हमें प्रॉफिट हुआ है 1 इकाई 1 रुपए का, फिर यहां पर 2 रुपए का, फिर वापस से 1 रुपए का, उसके बाद फिर 5वीं पर -2 यहां पर, और 6वीं इकाई पर आ गया -9। इसको अब हम मिला लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब हम इसको मिलाएंगे, तो देखो हमें सबसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति कहां हुई है, इस पॉइंट पर हुई है, इस पॉइंट पर सबसे अधिकतम 2 रुपए। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो सबसे अधिकतम लाभ है वो यहां हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहां टीआर देखो कुल आगम सबसे ज्यादा है और कुल लागत सबसे कम है, तो यही होता है, यही होता है ये। आप जब स्केल की सहायता से बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट सीधा आएगा, तो इसी को हम बोलते हैं उत्पादक का संतुलन। ये जो पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को आप कहेंगे उत्पादक का संतुलन या फर्म का संतुलन, फर्म का संतुलन। ठीक है, तो इस तरीके से फर्म को इस अवस्था में अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, तो यही होता है फर्म का संतुलन। अब हम इसी टीआरएनटीसी अप्रोच को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के थ्रू समझते हैं। अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यही फर्क होता है कि यहां पर जो कीमतें होती है वो समान होती है, है ना। जब मैंने पूर्ण प्रतियोगिता वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक काल्पनिक बाजार होता है, यानी कि रियल लाइफ में सभी बाजार नहीं होता। ठीक है, और यहां पर जो होता है क्रेता और विक्रेताओं की संख्या असंख्य होती है और यहां पर कीमतें समान रहती है, तो कीमतें समान होने की वजह से यहां पर जिसका टीआर है यानी कि कुल आगम का जो रेखा होती है वो एक समानांतर रेखा के रूप में, यानी एक सरल रेखा सीधी ऊपर की तरफ जाती है। जैसे कि अगर हम कीमतें समान रख लें, आप लोगों को याद होगा कि जो टीआर होता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू पी, उत्पादन इंटू कीमत, मात्रा इंटू कीमत। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमने एक मात्रा ली 1, 2, 3, 4, 5 और कीमत हमने ले ली समान 4, 4, 4, 4, 4 और 4, यानी कीमतें यहां पर समान रहती है। तो यहां पर कुल आगम कितना होगा, 4 एकम 4, 8, 4 12, 4 16, 4 5 20, यानी कि यहां पर जो कुल आगम वक्र रहेगा वो एक सरल रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई जाएगी। यानी अगर हम यहां पर टीआर ड्रॉ करें तो पहले पर टीआर आ रही है 4, दूसरी पर टीआर आ रही है 8, उसके बाद फिर 12, उसके बाद फिर 16, उसके बाद फिर यहां पर 20। इस तरीके से जो टीआर है वो एक सरल रेखा के रूप में आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है। और जो हमारा टीसी है, टीसी सेम उसी प्रकार से करेंगे, जैसे कि यहां पर हमने 3, 5, 6, 7, 18 और 24 को लिया था, है ना, यह काल्पनिक डेटा हमने जो लिया था। अब यहां पर हम जैसे 0 इकाई पर आ रहा है 3,
अधिकतम लाभ की प्राप्ति कहां हो रही है, जहां पर कुल आगम सबसे ज्यादा है, यानी कि हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां मिला, देखो माइनस तीन यहां पर आया, माइनस एक यहां पर आया, दो बारह में से सात गया पांच, सोलह में से अठारह गया माइनस दो, और यहां पर आया, यानी यहां पर यानी पांचवी, ये जो तीसरी इकाई है जहां हमें लाभ सबसे अधिक मिल रहा है, ये अवस्था जो होगी यहां पर हमें सर्वाधिक लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म का संतुलन का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, टीआरओ टीसी अप्रोच में। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। हमने इस वीडियो के अंदर फर्म के संतुलन का जो पहला अप्रोच है कुल आगम और कुल लागत दृष्टिकोण, उसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जिसमें हम सीमांत आगम और सीमांत लागत के आधार पर जब हम फर्म का संतुलन ज्ञात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी शर्तें होती हैं, कौन कौन से डायग्राम बनते हैं, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अल्पकाल और दीर्घकाल में किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से फर्म का संतुलन ज्ञात किया जाता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं और टॉपिक समझ में आते हैं तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस, जय हिंद।